बताया कि हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर सिस्टम के वाईफाई पासवर्ड को कैसे फाइंड करेंगे। दो तरीके हैं, कमांड से और मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। सबसे पहले आप कमांड को ओपन कर लें और कमांड ओपन करने के बाद मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या कमांड चलाना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पहले कमांड ये चलाएंगे फिर दूसरा ये चलाएंगे। इसके लिए हम आइए देखते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ। सब टाइप करेंगे ये नेस वैन सो प्रोफाइल और एंटर प्रेस करेंगे। थोड़ी देर तक वेट करना होगा और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कौन कौन सी मैं वाईफाई को यूज कर चुका हूँ। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आप देख रहे हैं ये वाली कमांड को यूज करना है, ये आपको एक्सपोर्ट कर देगा आपके सी ड्राइव में। इसके बाद हम कमांड को चलाते हैं, एंटर को प्रेस करेंगे। अब हम क्या काम करते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं चलता हूँ अपने सी कंप्यूटर में, सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद अब ढेर सारी फाइल जो भी हमने वैन को यूज किया था सब एक्सपोर्ट हो गया है हमारे सी ड्राइव में। अब हम क्या करते हैं, किसी एक फाइल को हम देख लेते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे इसको के लिए राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाएंगे और यहाँ पे नोटपैड देगा, नोटपैड में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड दिखा देगा, शो कर देगा, रियलमी C1 ये पासवर्ड था, ये हमारा दिखा रहा है पासवर्ड। दूसरे तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने टास्क बार पर आएंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दे रहा है ओपन नेटवर्किंग एंड शेयरिंग सेंटर, इस पर जाएंगे। जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा मैनेज वायरलेस नेटवर्क, इस पर क्लिक करेंगे और जितने भी वाईफाई को हमने यूज किया हुआ है, चलिए मैं उसमें दिखा रियल में C1 या C2, C1 का दिखा, इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं और सिक्योरिटी पे चलते हैं और यहाँ पे सो करेक्टर था, इसको जैसे चेक करेंगे देखिए जो पासवर्ड मैंने वहाँ नोटपैड की फाइल में दिखाया वही पासवर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है। अब आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ।